अस्सलामुअलैकुम माई YouTube फैमिली, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस में होंगे, जहाँ कहीं पे भी होंगे अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ सैलेड चिकन का, वो भी उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आएंगे वो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैंने पानी चढ़ा दिया, इसके अंदर नमक मैंने डाला है। अब इसके अंदर मैं मैक्रोनी या पास्ता जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको बॉयल करेंगे। साथ में मैं चिकन को बॉयल कर रही हूँ। जब यह बॉयल हो जाएगा फिर आगे क्या कुछ करना मैं आपको बताऊंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं बहुत शुक्रिया, इसी तरह मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सपोर्ट करते रहें, बहुत शुक्रिया आप सबका। तो यहाँ पे देख सकते हैं चिकन को अभी मैंने चढ़ाया। आपको पता है कराची में है गैस का मसला हो रहा है काफ़ी, तो मैं काफ़ी टाइम बाद आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि गैस का इशू हो जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ये दोनों चीज़ें जब तक बॉयल हो रही हैं तब तक मैं खीरे को भी कट कर देती हूँ। जी तो फ्रेंड खीरा मैंने ले लिया, अब इसको मैं छीलूँगी और कट करूँगी। जी तो फ्रेंड देख सकते हैं चॉपर की मदद से मैंने खीरे को कट कर दिया है। इस तरह से आपने करना है बिल्कुल बारीक बारीक सा। आप चाहें तो इसमें और भी कोई वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, तो मुझे तो खीरा ही पसंद है इसकी मदद से मैंने की है, क्योंकि इसकी मदद से हर चीज़ बिल्कुल छोटी छोटी हो जाती है। तो आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से हम इसको कट करके रख देंगे। अब जब तक हमारी दोनों चीज़ें चिकन और मैक्रोनी बॉयल नहीं हो जाती, इसके अंदर हम एक अदर सेब भी ऐड करेंगे, फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। तो फ्रेंड मैंने डाल दिया है मैक्रोनी को बॉयल करने के लिए, चढ़ा दिया। अब ये जैसे बॉयल हो जाएगा तो फिर हमने इसको छान लेना, उसके ऊपर हमने ठंडा पानी गिराना है ताकि ये जुड़ ना जाए। स्पून की वजह से इसको हिला लेते हैं, सर्दी की वजह से हाथ कांप रहे हैं। इसको हिला देंगे, मैंने ज़्यादा नहीं ऐड की क्योंकि मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा बनाएं तो आपने बहुत ज़्यादा आपने ऐड करनी है मैक्रोनी। जी तो फ्रेंड पिल में ले आई हूँ, अब इसको छील के छील लेना मैंने, और इसी तरह से आपने कर देना है छोटा छोटा। अब इसको छील लूँ मैं जब तक। जी तो फ्रेंड एप्पल को भी मैंने इस तरह से छोटा छोटा कर लिया क्योंकि सर्दियों में आपको पता है खाने का दिल नहीं करता फ्रूट, तो आप फ्रूट सैलेड या हमेशा बना के खा सकते हैं। फ्रूट चाट तो खाने का दिल नहीं करता, तो हमने कहा चलो फ्रूट सैलेड ही बना लेती मैं आज। मिक्स है, आप वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं अगर ऐड करना चाहें तो। हम ये बॉयल हो चुके हैं, इनको मैं निचोड़ूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। मैं डिफरेंट अब इस बॉल मैंने ले लिया, अब इसके अंदर मैं सबसे पहले ऐड करूंगी खीरों को। खीरे मैंने ऐड कर दिए, इसके अंदर मैं एप्पल ऐड कर रही हूँ। एप्पल के बाद हम मैक्रोनी को ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने प्यारे लगे हैं अपन को। अच्छे से आपने मिक्स कर लेंगे, चिकन ऐड करेंगे, चिकन ऐड करेंगे वाला आपने ये ले लेना है। ये इसके अंदर ऐड करेंगे हम और काली मिर्च हल्की सी ऐड करते हैं। चिकन मैंने ऐड कर दिया, इसको मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी काली मिर्च, नमक लाइट से ऐड कीजिएगा, ज़्यादा नहीं ऐड करना, नहीं तो ये थोड़ा मीठा और मिर्ची जो तेज़ करेंगे तो मिक्स बुरा लगेगा। इसलिए मैं थोड़ी सी इसके अंदर काली मिर्च ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं ऐड करनी, नहीं तो आपका टेस्ट खराब हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ मैं, इसके अंदर इसको भी ऐड कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा मीठा होता है इसलिए ज़्यादा ऐड नहीं करना। अब इसको मिक्स करेंगे, बहुत जल्दी ये सारी रेडी होता है। कोई दावत वगैरह हो तो मेहमान अचानक से आ जाए तो आप जल्दी से बना देना। ये देख सकते हैं, दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक करना मत भूलिएगा। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। ये तो बन गया हमारा मज़ेदार सा सैलेड रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। कह रहे हैं हमें खाओ खाओ, तो ये बहुत जल्दी क्विकली बन जाता है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, इसी तरह सपोर्ट करते रहें। अपने अर्ग की तमाम लोग खास कर रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट फिर न्यू रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चिकन मैंने ऐड कर दिया, इसको मिक्स करेंगे। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी काली मिर्च, नमक लाइट से ऐड कीजिएगा, ज़्यादा नहीं ऐड करना, नहीं तो ये थोड़ा मीठा और मिर्ची जो तेज़ करेंगे तो मिक्स बुरा लगेगा। इसलिए मैं थोड़ी सी इसके अंदर काली मिर्च ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं ऐड करनी, नहीं तो आपका टेस्ट खराब हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ मैं, इसके अंदर इसको भी ऐड कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा मीठा होता है इसलिए ज़्यादा ऐड नहीं करना। अब इसको मिक्स करेंगे, बहुत जल्दी ये सारी रेडी होता है। कोई दावत वगैरह हो तो मेहमान अचानक से आ जाए तो आप जल्दी से बना देना। ये देख सकते हैं, दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक करना मत भूलिएगा। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। ये तो बन गया हमारा मज़ेदार सा सैलेड, रेडी हो चुका है। देख सकते हैं, कह रहे हैं हमें खाओ खाओ, तो ये बहुत जल्दी क्विकली बन जाता है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, अपने हेल्थ की तमाम लोग का खास ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट फिर न्यू रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।